डार्विनियन थ्योरी। सो गाइस अब बात करेंगे डार्विनियन थ्योरी की, चैप्टर नंबर 7, 12th क्लास का एवोल्यूशन चैप्टर, तो अगेन उसी से टॉपिक पढ़ेंगे। सो चलिए दोस्तों देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइस आज बात करते हैं डार्विनियन थ्योरी की। देखिए आप जब पढ़ते हैं एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन जो है वो कुछ और नहीं, क्वेश्चंस होते हैं। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने कुछ जवाब दिया, वही एवोल्यूशन हुआ। मतलब नहीं आया समझ में? देखते जब हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन में हम सवाल पर सवाल पूछते हैं। जैसे पहला सवाल, ये यूनिवर्स कैसे बना, ये ब्रह्मांड कैसे बना, तो हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी से कैसे बना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर अगला सवाल, ये अर्थ कैसे बनी, फिर हम बताते हैं जी अर्थ ऐसे बनी। तो अगेन हमने क्वेश्चन पूछा कि यूनिवर्स कैसे बना, तो हजार तरह की थ्योरीज आई, जिसमें से जो थ्योरी सबसे ज्यादा बेस्ट निकली हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगेन सवाल पूछा कि ये अर्थ कैसे बना, अगेन हजार थ्योरीज आई, उसमें जो बेस्ट लगी हमने वो निकाल ली। फिर अगला सवाल आया, इस धरती पर लाइफ कैसे आई, जब लाइफ कैसे आई, ये फर्स्ट लाइफ कैसे अफेयर हुई, तो अगेन बहुत सारी थ्योरी आप पढ़ते हो, उसमें से जो बेस्ट थ्योरी लगी हमने वो निकाल लिया। अच्छा हमें जवाब मिल गया ये ब्रह्मांड कैसे बना, हमें जवाब मिल गया ये धरती कैसे बनी, ये जवाब मिल गया कि लाइफ कैसे है। लेकिन ये जवाब कैसे मिलेगा, जब लाइफ इस धरती पर आई थी तब एक सिंगल सेल की थी, लेकिन आज आप 17 से लेकर 18 लाख जो डायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी देखते हो, ये कैसे बनी एक सिंगल सेल से, मतलब एक सिंगल सेल ने कैसे इतनी सारी वैरायटी बना दी, उसके लिए भी बहुत सारे आंसर आए। तो जो हम डार्विनियन थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये डार्विनियन थ्योरी ये नहीं कहता लाइफ कैसे धरती पे अपीयर हुई, ना ये इसका जवाब ही नहीं है, ना ये थ्योरी ये बताती है कि ये अर्थ कैसे बना, ना थ्योरी ये बताएगी कि ब्रह्मांड कैसे बना। इस थ्योरी का इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। ये थ्योरी ये बताती है कि एक सिंगल सेल से, जो इस अर्थ पे एक सिंगल सेल आई थी, उससे कैसे इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो गई, ये बताती है थ्योरी। तो इस थ्योरी का मकसद क्या है, बायोडाइवर्सिटी कैसे बनी वो बताना। सो यहां पर ये थ्योरी से कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ओवर प्रोडक्शन, लिमिटेड फूड एंड रिसोर्सेज, देन स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, देन वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर आएगा हम 6th पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो भी सोमेटिक सेल्स में या जर्म सेल में जो कैरेक्टर्स वो लेगा उसको आगे का करेगा, इनहेरिट करेगा, तो वो भी एक छोटा पॉइंट है, आगे देखेंगे बाद में, पहले इनको समझते हैं। ये मेन पॉइंट्स है, आपसे जब भी डार्विन थ्योरी पूछे ना, ये 5 पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर देना, नंबर आपके कहीं नहीं कटने वाले। अगर आपने इनको नहीं लिखा और आपने पूरी कहानी लिख डाली, पूरी महाभारत पेल डाली, तो भाई साहब नंबर मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक तरीका होता है लिखने का, तो वो चीज़ आपको लिखना जरूरी होता है। So, पहला पॉइंट समझते हैं ओवर प्रोडक्शन। चलिए पहले काम करते हैं इसको समझने से पहले डार्विन को समझते हैं। अब डार्विन नहीं समझोगे तो क्या थ्योरी पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा कुछ। देखिए डार्विन जो है ना, अपने टाइम का गजब साइंटिस्ट माना गया है, इवन आज भी उसको गजब मानते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरीज या जितनी भी इसने बातें बोली तकरीबन सारी बातें ठीक निकली और हर एक बात का अपना एक सॉलिड बेस था। सन 1831 में एक शिप थी जिसका नाम था HMS बीगल, एक जहाज था HMS बीगल, शिप था। ये शिप 3 साल के लिए बाय वाटर बाय सी वर्ल्ड टूर करने का प्लान बनाया जा रहा था। कुछ लोग थे जिनका प्लान था कि हम बाय सी या बाय वाटर पूरे अर्थ का क्या करेंगे, दुनिया भ्रमण करेंगे, यानी कि दुनिया घूमेंगे। 3 साल का टूर बनाया गया था। इसी में फिर डार्विन को भी मौका मिला कि घूमने मतलब इस पूरे अर्थ की जो भी आइलैंड या जो भी कंट्रीज बाय वाटर कनेक्टेड हैं उनको देखने का, उनको समझने का ऐसे मौका मिला। तो ये भी उस HMS बीगल में चल पड़ा, भाई चल लेते घूमने, क्या जा रहा है। तो निकल पड़ा HMS बीगल में, बैठ गया और निकल गया 3 साल के लिए। लेकिन प्लान तो 3 साल का बना था, आप जानते हो प्लान बनाओगे 2 दिन का तो 2 दिन थोड़ी लगते हैं, क्या पता ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे हुआ कि 3 साल का प्लान बनाया गया था, लेकिन लग गए कितने साल, 5 साल लग गए। 1831 में गया हुआ, 1836 में वापसी लौटा, और इस 5 साल में उसने तरह तरह के अलग तरह के आइलैंड पे स्टडी करी और उसने तरह तरह के रिजल्ट निकाले। रिजल्ट उसने ऑन द स्पॉट नहीं निकाले, जब वापसी आया तब उसने बहुत सालों तक स्टडी करी, देन उसने रिजल्ट धीरे धीरे निकालने शुरू करे। उसी में से एक फेमस आप पढ़ते होंगे जिस आइलैंड पे गया था, नाम है उसका गैलापागोस आइलैंड, ये ठीक है, आप सुनते रहना कहानी है सारी।
तो गैलापागोस आइलैंड पे गया और उस आइलैंड को देखो गैलापागोस क्यों कहते हैं, गैलापागोस को हम ग्रीक भाषा में बोलते हैं, मतलब ग्रीक भाषा का एक नाम है गैलापागोस, और इंग्लिश में आप उसको बोलते हो टॉर्टोइज, यानी कि जो आपके कछुए होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, गैलापागोस इन टर्म्स ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। तो क्योंकि उस आइलैंड पर जो आइलैंड था एक्चुअली में इस आइलैंड पे भी फर्दर 9 सब आइलैंड थे, यानी कि वो एक आइलैंड भी 9 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था, बाकी छोटे मोटे थे वो तो छोड़ ही दो। और उन आइलैंड पे जो टर्टल्स मिलते थे उनका साइज तकरीबन 200 से 250 किलो हुआ करता था, 1.5-2 मीटर उनका साइज हुआ करता था। तो क्योंकि उन आइलैंड्स पे गैलापागोस यानी कि टर्टल्स की टर्टल्स की एबंडेंसी थी, नंबर ज़्यादा थे, दैट्स वाई उनको क्या बोला गया, गैलापागोस आइलैंड का नाम दिया गया। और उस आइलैंड पर सिर्फ हम बात करें आपके टॉर्टोइज ही नहीं, आपके बाकी अदर जो भी थे ना आपके, चाहे बर्ड्स ले लो चाहे प्लांट्स ले लो, हर एक चीज़ों को डार्विन ने ठीक से जांचा परखा और समझा। और उस आइलैंड पे जो बर्ड्स थी डार्विन ने उनको नाम दिया था डार्विन फिंचेस, क्या नाम दिया था डार्विन फिंचेस, दीज वर दी स्मॉल ब्लैक बर्ड। तो डार्विन ने उस आइलैंड पे जो बर्ड्स प्रेजेंट थे उनको क्या नाम दिया था, डार्विन फिंचेस का नाम दिया था। और आपने फिर उसे पढ़ा होगा एडाप्टिव रेडिएशन, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तो अभी तो फिलहाल इस पे फोकस करते किस पे, डार्विन थ्योरी पे। जब डार्विन वहां से आया तो डार्विन ने जो देखा 5 साल में कि यार कि अलग अलग आइलैंड पे इतनी बायोडाइवर्सिटी आई कैसे, मतलब फिर उसने ये सोचा कि हम इतने जगह पे घूमकर आए हमने तरह तरह की बायोडाइवर्सिटी देखी, ये बायोडाइवर्सिटी क्रिएट कैसे हुई। जब उसने इन चीज़ों को गौर करा समझा परखा तब उसे उसके आंसर मिलने शुरू हो गए। जब वो अपना ये सी वॉयज जो 5 साल की यात्रा जो करके समुद्री यात्रा करके आया था तब उसे एक चिट्ठी आई, जब वो आया था अपने वापसी चिट्ठी थी एक साइंटिस्ट की जिसका नाम था अल्फ्रेड वैलेस। अल्फ्रेड वैलेस ने चिट्ठी भेजी थी डार्विन को और उस चिट्ठी में उन्होंने बताया था उनकी स्टडी के बारे में, किसके बारे में, उनकी स्टडी के बारे में। तो अल्फ्रेड वैलेस ने भी उन्हें एक ऐसे भेजा था, एक रिटर्न पेपर भेजा था, उस रिटर्न पेपर में बताया गया था कि जैसी स्टडी डार्विन ने करी है गैलापागोस आइलैंड पर ऐसी ही स्टडी उस साइंटिस्ट ने करी थी मलाई आर्किपेलाग जो आइलैंड के ऊपर जो कि करंटली इंडोनेशिया का पार्ट है। So, कहने का मतलब क्या है कि डार्विन जो स्टडी कर रहा था कुछ इसी तरह की स्टडी दूर कहीं बैठा एक साइंटिस्ट भी सेम कर रहा था, नाम था अल्फ्रेड वैलेस, वो भी सेम तरह की स्टडी कर रहा था। और बाद में चल के हमने देखा कि दोनों का रिजल्ट भी तकरीबन क्या निकला, सिमिलर ही निकला। तो खैर डार्विन ने फिर जब वो पढ़ाया ऐसे पढ़ा जो था सामने उसे, फिर लगा कि यार जो मैं कर रहा हूँ वही सेम कोई और भी कर रहा है, यानी कि देखो मेन रोल डार्विन का ही था बट जो रिजल्ट था दोनों का अल्टीमेट दोनों रिजल्ट सेम था, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की दोनों बात कर रहे थे। ठीक है, अब जो डार्विन था देखिए ऐसा मत सोचिए डार्विन जैसे आया वहां से 1836 में और आते तुरंत उसने थ्योरी दे दी, नहीं ऐसा नहीं है, टाइम लगा, सालों साल लगे, कई साल लगे, क्योंकि जो चीज देखकर आया था उसको समझना था परखना था कि वो चीज क्या है और कैसे इवॉल्व हुई, तो ये चीज वो सोच ही रहा था। और इतने में उसने एक बुक पढ़ी, उसका नाम, वो जो बुक थी वो थी एक साइंटिस्ट जिसका नाम था थॉमस मैल्थस का, और डार्विन इसका बहुत ही बड़ा जबरा फैन था। क्या था, जबरा फैन समझते हो, वो इसे अपना आइडल मानता था। थॉमस मैल्थस ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी जिसमें से उन्होंने अपने जो भी हमारे देखते हैं पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन के बारे में नई नई तरह की बातें बताई गई थी। तो उन्हीं की बुक पढ़कर डार्विन ने इंस्पिरेशन ली थी, और इसने जब उनकी बुक्स पढ़ी अल्फ्रेड वैलेस से जो टाइटल आया था जो ऐसे आया उसको पढ़ा और करते करते और जो अपनी स्टडी थी स्टडी करते 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 कुछ सालों बाद वो जवाब दे दिया दुनिया को जो चाहिए था कि इस अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइफ कैसे क्रिएट हुई। तो यहां से इसने इतने सालों बाद ये 5 पॉइंट्स बनाए और इन 5 पॉइंट में लोगों के उन सारे सालों जवाब थे जो चाह रहे थे। क्या थे, आइए आप शुरू करते हैं। और जो आपको बताया मैंने ये टाइम पास नहीं करा, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करा, ये सब क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, पूछ जाते हैं कि तो कौन से ईयर में गया, कौन से आइलैंड पे स्टडी करी, और जिन पे करी उस पे टॉर्टोइस का साइज या वेट क्या था, वेट 250 किलो 250 kg के आसपास उनका वेट हुआ करता है, कौन से साइंटिस्ट का रिजल्ट तकरीबन सेम था आपके डार्विन से अल्फ्रेड वैलेस, किसको अपना मतलब किससे इंस्पिरेशन लेता था थॉमस मैल्थस से, ये सब चीज़ें आती हैं, इसलिए आपका टाइम पास नहीं करवाया गया, इसको बाकायदा याद रखना। ठीक है, तो अब आते हैं जरा मेन पॉइंट
पॉइंट्स पे। कौन कौन से मेन पॉइंट है? पहला आता है ओवर प्रोडक्शन। डार्विन का मानना ये था इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर ओवर प्रोडक्शन की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। अगर आप डॉग्स को देखें तो डॉग्स पता नहीं 10 से 12 बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इतने सारे बेबी प्रोड्यूस कर रहा है। बात करें खरगोश की, खरगोश 6 महीने में ही रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी होती है, वो भी काफी हाई टेंडेंसी की होती है। हाई टेंडेंसी मतलब ये होता है दे कैन प्रोड्यूस हाई नंबर ऑफ प्रोजेनी इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, राइट। और तो बात करें धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके अंदर ये हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। अब जानते हो कि अगर डॉग्स के अगर 10 से 12 बच्चे हुए सब सर्वाइव नहीं कर पाते, मुश्किल से 2 ही 3 बच पाते हैं, ऐसा कारण क्या है? अगेन डार्विन की थ्योरी इसका जवाब देती है। डार्विन की थ्योरी कहती है कि देखिए जी, ओवर प्रोडक्शन तो हर एक ऑर्गेनिज्म में अवेलेबल है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वो आपका ह्यूमन हो। ह्यूमन भी वैसे लाइफ टाइम जो है पता नहीं कितने बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन करता नहीं है क्योंकि हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इंडिया वाले मानते नहीं बात को। तो ओवर प्रोडक्शन, पहला क्या ओवर प्रोडक्शन, यानी कि हम बात करते हैं प्रोडक्शन में क्या कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपनी जनरेशन को ओवर प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि दे कैन प्रोड्यूस हाई नंबर ऑफ प्रोजेनीज। ठीक, अब मुझे बताइए अगर हाई नंबर प्रोजेनीज प्रोड्यूस हो जाएंगी तो उनके लिए खाना और रहना ये दो चीजें भी चाहिए होती हैं। तो डार्विन ने कहा इस धरती पे जितनी भी लाइफ है सब ओवर प्रोड्यूस करती हैं, सब करती हैं, लेकिन जो प्रोजेनीज बनती हैं उन प्रोजेनीज के लिए फूड और सोर्स या आई मीन टू से स्पेस, ये तो लिमिटेड ही है, ये थोड़ी अनलिमिटेड है, तो ये तो लिमिटेड ही है। तो जब मान लीजिए कि अब नंबर ढेर सारे हुए, तो जब नंबर ढेर सारे हुए उनके रहने के लिए जगह कम पड़ गई, खाने के लिए खाना पड़ गया, कम पड़ गया, और जब ऐसा होता है तो क्या होती है? लड़ाई। आप कभी भंडारे में गए हो? जाके देखना, भंडारे में जाओगे देखोगे कि अगर मान लो कि वहां पर 100 लोग हैं तो कैसे लड़ते हैं खाने के लिए। वही सेम हिसाब है कि भाई वो जो फूड है, वो जो खाना जो सामने वाला दे रहा है, वो खाना एक लिमिटेड लोगों के लिए है। अगर वहां पर उन लोगों से ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि जो खाना बनाया गया है वहां पे, जो भंडारा लोगों को खिलाया जा रहा है वो 100 लोगों के लिए है, लेकिन उसमें मान लेते 400 लोग, अब भाई खाना बनाया गया 100 लोगों के लिए, आ गए 400 लोग, अब क्या होगी? अब लड़ाई होगी, क्योंकि अब फूड कम पड़ गया, लोग ज्यादा पड़ गए। सेम हिसाब ही तो हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन से नंबर प्रेजेंस हाई हो जाती है, और नंबर प्रेजेंस जब हाई होगी तो क्या होगा? उनके लिए फूड और स्पेस कम पड़ जाएगा, लिमिट में आ जाएगा, और जैसे ही कम पड़ जाएगा क्या होगी? लड़ाई। क्या होगी? अब लड़ाई, आई मीन टू से कंपटीशन। तो यहां पर अब चलेगा स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, अब स्ट्रगल करेंगे सबके सब। अब भैया लड़ाई होगी, स्ट्रगल मींस क्या? लड़ाई तो हो रही है, और क्या हो रही है? तो स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस हम बात करते हैं, तीन तरह की लड़ाई होगी। एक होगी इंटर स्पेसिफिक लड़ाई या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, एक होती है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एक होती है एनवायरमेंटल कंपटीशन, कुछ भी कह लो। तो स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस मतलब क्या होगा? हर एक ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करता है जिंदा रहने के लिए, कि यार इतना कम खाना मैं सर्वाइव कैसे करूं। अब क्या होता है जरा देखिए, 1000 बच्चे पैदा हुए, मान लेते क्या हो जा रहा है, 1000 बच्चे पैदा हुए, खाना कम पड़ गया, खाना पड़ गया, क्या होगी? लड़ाई होगी। अब लड़ाई देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए टाइगर से लड़ता है, तो भैया जब टाइगर से लड़ेगा तो यहाँ पर सेम स्पीशीज से लड़ रही है फॉर द सेम फूड। इसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी कि जब सेम स्पीशीज में लड़ाई हो, क्या बोलते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक। और इंटर स्पेसिफिक क्या होता है? जब शेर की टाइगर से लड़ाई हो, या शेर की हिरन से लड़ाई हो, होता नहीं, मान लेते फिर क्या जा रहा है, यानी कि जब दो डिफरेंट स्पीशीज लड़ती हैं सेम फूड के लिए, इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है? डिफरेंट स्पीशीज लड़ती हैं। आप कहोगे ये कहां से आ गया? अरे भाई मान लो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों के बच्चे हुए और दोनों सेम तरह के फूड के लिए लड़ रहे हैं, तो दोनों अगर डिफरेंट तरह के स्पीशीज हुई तो इंटर स्पेसिफिक, सेम हुई तो इंट्रा। अब मुझे बताओ लड़ाई क्या बाहर होती है? लड़ाई घर में नहीं होती, घर में तो होती है, घर में जब भाई बहन या भाई भाई लड़ते हैं सेम जो भी होगा, जो भी मुद्दा होगा, लेकिन लड़ाई घर में होती, घर के बाहर भी होती है, यानी कि लड़ाई उनमें भी होती है जो दोनों सेम खानदान के होते हैं, लड़ाई उनमें भी होती है जो डिफरेंट खानदान के होते हैं, लेकिन आजकल घर में ज्यादा चलती है ना, ज्यादा सेम वाला चल रहा है, तो आजकल तो इंट्रा चल रहा है। तो सेम स्पीशीज में लड़ाई होगी तो इंट्रा, अलग अलग स्पीशीज में होगी तो इंटर। एनवायरमेंटल यहां का भिड़ेगा, यहां भिड़ेगा एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट मतलब क्या? अब एनवायरमेंट से कौन पंगा लेगा? देखो मान लो सूखा पड़ेगा, अब सूखा पड़ गया
तो सब क्या करेंगे, सब अब कोई ना कोई प्रॉब्लम में आएंगे, अब सबको सफल करना पड़ेगा, सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। तो इन्वायरमेंटल मतलब होता है ड्रॉट वगैरह से, इन सब चीज़ों से जो ना जूझना, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल, इसको बोलते हैं स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, फॉर मतलब फॉर सर्वाइविंग, फॉर सर्वाइवल इन एनवायरमेंट, जो भी है। तो ये हमारा वो पॉइंट्स है जो इस चीज को डिनोट करता है, स्ट्रगल फॉर द। देखो हर किसी में स्ट्रगल हो रहा, नहीं हो रहा, चाहे डिफरेंट स्पीशीज लड़े तब भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है भाई। टाइगर है उससे शेर से लड़ना पड़ रहा है खाने के लिए, तो ये स्ट्रगल ही तो हो रहा है, प्रॉब्लम ही तो हो रही है। अब चाहे टाइगर टाइगर से लड़े तब भी ये भी स्ट्रगल है, और टाइगर एनवायरनमेंट से लड़ रहा है कि भाई भूखा मत मार या पानी मुझे मिल जाए, जो भी है ड्रॉट वगैरह से। तो अगर एनवायरनमेंट में कोई भी दिक्कत आती है, सफल तो करना पड़ता है लिविंग को, तो यही तो है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। डार्विन ने कहा बच्चे ढेर सारे पैदा कर दिए, खाना स्पेस कम पड़ गया, स्ट्रगल चला, लड़ाई चली, लड़ाई चलने के बाद अब काम आएगी वेरिएशन। क्या काम आएगी? वेरिएशन। क्या बोला जाता है कि जैसे मान लो अगर ए बी ये दो टाइप के बैक्टीरिया ले लूँ, एग्जाम्पल सुन रहा हूँ, ठीक है एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। ए और बी दो टाइप के बैक्टीरिया ले लिए मैंने, इन दोनों को डाला मैंने एक ऐसे एंटीबायोटिक में जिसका नाम है लेट सपोज एम्पिसिलिन, और पता है आज तक ये लोग कभी एम्पिसिलिन से मिले भी नहीं थे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने डाल दिया एम्पिसिलिन में। एम्पिसिलिन में डालने के बाद जिंदा वही बचेगा जिसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होगी। कौन बचेगा? जिसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होगी, यानी कि जिसने वो जीन डेवलप कर ली वो बच जाएगा, जो नहीं करेगा वो निपट जाएगा। यानी कि जिस पे जीन आ गई उसमें वेरिएशन आ गई। क्या आ गई? वेरिएशन। तो भैया बात ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जब लड़ाई करेगा तो लड़ाई करने में जिसके पास सबसे अच्छी वेरिएशन होगी, मतलब मान लो जैसे जैसे शेर के पास पंजे काफी नुकीले हैं, ये भी वेरिएशन हो गया, ये पंजे से ये दूसरे वाले को मार डालेगा और खुद जिंदा रह जाएगा। यानी कि जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है उस यूजफुल वेरिएशन की वजह से वो वहां पर सर्वाइव कर जाएगा, राइट?